पत्थर कोई नहीं मार रहा, बैरिकेटिंग किसने लगाए, पत्थर मारने वाले भी सरकार के लोग होते हैं, वे उन्हीं को प्रोजेक्ट करती हैं कि कुछ लोग उनके बीच में घुसा दिए, वही होता है। कोई किसान पत्थर नहीं मारता, क्यों मारेगा किसान पत्थर? मतलब आपको लगता है कोई ना कोई घुस के ये सारे घुस के ये काम कर देता है? ऐसा नहीं, किसान ना पत्थर मारता ना कोई हिंसक प्रदर्शन करता। किसान तो जाता है भाई, कील कांटे किसने काटे? अगर वहां को उनको उखाड़ कर जाएंगे तो पुलिस टीएस गैस का इस्तेमाल करेगी, ऐसा नहीं है। वे बातचीत से इसका रास्ता निकाल ले, किसान इनके साथ में है। राकेश जी, सरकार उस मूवमेंट से बातचीत करे, जैसे पहले भी दो दौर की बात हुई है, दोबारा फिर वे बैठ गए, किसान वापसी नहीं जाएगा। सरकार छेड़खानी नहीं मत करें उनके साथ में, वो बैठेगा या तो वो आगे जाएगा दिल्ली की तरफ, वो पंजाब नहीं जाएगा बगैर बातचीत के, समाधान के वो वापसी जाएगा ही नहीं। किसान की ये टेंडेंसी होती है और हम सब नजरे बनाए हुए, अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिड होगा तो ना हमारे से किसान दूर है ना हमारे से दिल्ली दूर है। ये इनजस्टिस की बात की जाए, आप कह रहे हैं सर इनजस्टिस, अब किस तरह की इनजस्टिस होगी? मतलब आपको लग रहा भाई है, अगर उनसे बातचीत नहीं करेंगे तो वे आगे को बढ़ेंगे, व्याख्या बढ़ेंगे, तो उनके साथ में अगर कोई भी हरकत होती है तो किसान उनके साथ में, देश का किसान। अभी एक वो मूवमेंट है, एक ग्रुप का है, एसकेएम की आज मीटिंग हो रही है और उसमें हम अपनी सलाह करेंगे, उसमें कि हमको क्या करना है, अभी सलाह कर रहे हैं, क्योंकि फैसला उन्हीं को लेना, उन्हीं की कमेटी फैसला लेगी। जो भी सरकार को बात करनी है वो उसी कमेटी से बात करे। लेकिन कमेटी तो सर अभी यही कह रही है कि बातचीत करने की कोशिश सिर्फ माध्यम के थ्रू आ रहा है, लेकिन हमारे पास में ऐसा कोई भी बातचीत की बात आ जाएंगे, एक आध दिन में आ जाएंगे, दो दिन में आ जाएंगे, दस दिन में आ जाएंगे, किसान वापसी नहीं जाएगा। हो सकता है कि दो दिन बाद में एक बड़ी जरूरत पूरे देश के किसानों को वहीं इकट्ठा होने की पड़ जाए, हो सकता है कि अलग अलग जगह लोग इकट्ठा हो जाए। अभी हमारा 16 तारीख की कॉल है हमारी, तो हम भी 16 तारीख की वो करके फिर एसकेएम और हो सके कि उन लोगों की आपस में बातचीत हो, तो हम भी 16 तारीख तक का इंतजार करेंगे। सरकार को 16 तारीख तक का टाइम है कि वो बातचीत से इसका समाधान निकाल लें। अगर नहीं तो सर, क्योंकि एक तरफ एक आंदोलन में जो मौजूद है वो कह रहे हैं कि हम कल से रेल रोको भी शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे ये मूवमेंट बढ़ेगा। कल पंजाब में एक संगठन ने ये बात करी है कि हम कल से ट्रेन रोकेंगे 4 घंटे के लिए, तो ये धीरे धीरे मूवमेंट बढ़ेगा। ये कल पंजाब में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, और जगह होगा। ये नहीं कि सब लोग वहीं जाएंगे या सब लोग दिल्ली जाएंगे, जो लोग जहां होगा वहां से वो आंदोलन शुरू कर सकता है। आंदोलन का क्या है कि घर से बाहर निकल के और आप किसी मुद्दे के लिए बैठ जाओ कि मैं बैठ गया भाई, ये मेरा इशू है, तो वही एक आंदोलन का हिस्सा होता है। प्रहलाद जोशी अभी थोड़ी देर पहले बोले हैं कि रईत किसान अगर जो चाह रहे हैं, जो बातचीत करना चाहते हैं, वो आगे आ जाए बगैर वो पत्थर फेंके, वो आगे आके आगे तो आ तो रहे ना, आप बुलाओ उनके पास में, मीटिंग का इन्विटेशन भेजोगे, मीटिंग कहाँ होनी? और उनके जो लीडर है उन्होंने कहा भी है कि बातचीत करने को तैयार है, उन्होंने शाम तक का टाइम दिया है और बातचीत को बढ़ावे। आगे आके कैसे आएंगे आगे भाई, बात कहाँ होगी? वो चंडीगढ़ में होगी, वहां होगी, किसी गेस्ट हाउस में होगी, तो कहाँ होगी बात बताए? मैं तो तैयार है बात करने को। पीयूष गोयल जी हो या राजेश विद्यानंद सर हो, सारे उनसे मिलने की और कोशिश की है बातचीत करने की और समझौता निकालने की, लेकिन आज तक संगठन आगे नहीं आ रही है। नहीं नहीं आ रहे, आगे आ रहे, कोई वो नहीं है, ये झूठ बोलते हैं सरकार कि आगे नहीं आ रहे। उन्होंने आज भी उनका बयान था और उन्होंने बॉर्डर पार के कहा है कि, और पब्लिकली उन्होंने कहा है कि अगर सरकार बात करना चाहती है तो हम तैयार है। ये पत्थर मारने वाले किसान होते हैं, कहां तो पत्थर मारने वालों को हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों के साथ हमें ये कहे हैं जो प्रहलाद जोशी जी।